हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीनी स्विग में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए जो कि रीजनिंग के क्वेश्चंस है। देखिए, एग्जाम्स में इसके जो कि 50 नंबर का टॉपिक आता है रीजनिंग का, जिसमें देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने इसमें आपके टोटल 20 प्रश्न तैयार किए हैं जो कि एग्जाम्स में आने लायक हैं। और फ्रेंड्स, ये अच्छे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, और इसके आंसर भी आपको कैसे ज्ञात कर सकेंगे उसका भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार के न्यू वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है, यदि 5-5=24 और 7-7=48 है तो 10-10 का मान होगा। इसमें देखिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपके एग्जाम्स में भी इसी प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको इसमें से इसका आंसर निकालना है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आपके लिए 80, 99, 91, 56। तो देखिए इसका आंसर आपके क्या है, तो 99 इसका आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए CECDFDF, देखिए इनमें जो कि खाली जगह दी है इसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा। देखिए इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं चार ऑप्शंस, इसमें से आपको इसमें सेलेक्ट करना है। देखिए, आपके पहला ऑप्शन DFCEC DFECC CFED CDFED। देखिए इसका आंसर आपके लिए, देखिए बी इसका आंसर है, यानी DFECE इसमें खाली जगह में भरा जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आपके, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपके ये एक सारणी दी गई है, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी। देखिए 6, 5, 4, देखिए 6 इसमें यहाँ पर आपके इसमें खाली जगह दी हुई है। देखिए 10, 6, 7 या 8, ये आपके ऑप्शन है। इसको आप अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी जो भी आपको प्रश्न पत्र में रफ कार्य के लिए आपको जगह मिलेगी तो वहाँ पर आप इसका रफ कार्य करके भी इसके आंसर ले सकते हैं। देखिए इस ऑप्शन में आपको इसका आंसर होगा 6, यहाँ पर आपके 6 आएगा। अगला देख लीजिए, एक व्यक्ति को और देखते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है और उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है, बुआ, बहन, पुत्री या माता। देखिए ऐसे प्रश्न है जो कि आपको शांति से और बहुत ही सरलता से इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें देखिए आपका आंसर होगा जो कि बहन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें ऐसे प्रश्न काफी आते हैं इस एग्जाम्स में। देखिए ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, बी डी की पोती है और एफ ए का पुत्र है, एफ का डी से क्या संबंध है। देखिए पोता, भतीजा, चाचा या परपोता। इसे देखिए आप एग्जाम्पल्स देकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जैसे वो ए है, वो बी है और वो सी है, इस प्रकार के आप इसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका देखिए आंसर होगा परपोता। अगला देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दिया है कुछ संख्या जो कि देखिए 10.5, 15.0, 21.5, इसमें आपके यहाँ ऑप्शंस दिए हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही खराब प्रश्न है और जिसको ये सॉल्व करना आता है उसके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा देखिए ये सी। अगला प्रश्न देख लीजिए, और फ्रेंड्स अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं अपनी रफ कॉपी में तो इस वीडियो को आप पॉज करके इस प्रश्न का हल निकाल लें और उसके बाद इसमें आप आंसर देख लें, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। अगला देखिए, ए बी और सी बहन हैं, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है, ए डी से कैसे संबंधित हैं। तो देखिए आप वीडियो को रोक लीजिए और इसका आप आंसर खोजिए या फिर इसको आप एग्जाम्स के तौर पर इसे अपने आप में यूज कीजिए। देखिए इसमें आपके ऑप्शन है चार, चाची, बहन, चचेरे भाई, भतीजी, ये इसका आंसर होगा चाची। अगला देखिए आठवां प्रश्न है आप इसी प्रकार का, ए बी का चाचा है जो कि सी की पुत्री है तथा सी पी की पुत्र वधु है, ए का पी से संबंध बताइए। देखिए पुत्र, सन इन लॉ, भाई या इनमें से कोई नहीं, देखिए पुत्र इसका आंसर होगा। अगले देखिए ऐसा ही कुछ प्रश्न है, सुशांत ने कहा यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, सुशांत का लड़की से संबंध बताइए, इसमें क्या संबंध होगा। इसे देखिए आप बहुत ही शांति से इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए इसमें ऑप्शन है पति, फादर इन लॉ, पिता या दादा, इसका आंसर आप खोजिए। देखिए इसका आंसर है जो कि फादर इन लॉ इसका आंसर होगा। अगला देखिए दसवां प्रश्न, एक कोड भाषा में फ्रेंड को जी क्यू जे डी ओ सी के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में पी ई ए सी ई कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, देखिए इसे आप अपने रफ कार्य में ही सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपका इसमें आंसर इनकरेक्ट हो सकता है। देखिए ये चार ऑप्शन है और इसका आंसर होगा जो कि सी ओ आंसर होगा, क्यू डी बी बी एफ जो कि पी ई ए सी को लिखा जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है, 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दुगनी थी, बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है, 28 वर्ष,
30 वर्ष, 22 वर्ष या 26 वर्ष। इसका आंसर आपके 26 वर्ष होगा। अगला देखिए, इस प्रश्न में चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और चौथा एक अलग है, विषम को चुनिए। ठीक है, इसमें जो तीन है जो कि समान है और एक अलग है सबसे, देखिए बगदाद, बीजिंग, दिल्ली, पाकिस्तान। देखिए इसका आंसर आपको निकालना है, इसका आंसर होगा देखिए डी, पाकिस्तान। अगला देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में ए आर एम एस को 5, 4, 6, 7 और एल आई ए आर को 1, 2, 5, 4 के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसी कूट भाषा में स्मॉल किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन है 7, 6, 5, 2, 3, 1, 7, 6, 5, 1, 2, 7, 6, 5, 1, 1, 7, 6, 5, 4। इसका आंसर होगा देखिए 7, 6, 5, 4। तो फ्रेंड्स इसे आप अपनी कॉपी में इसे सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपका इसमें और भी आंसर सही हो सके। अगला देखिए 14 प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षर, शब्द, आकृति, संख्या का चयन करें। पेड़, जंगल या घास, इसमें देखिए मैदान, तालाब, घोंसला या तल। इसका आंसर देखिए मैदान होगा। अगला प्रश्न देखिए 15 प्रश्न आपके लिए। और फ्रेंड्स अगर इस ये आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जैसे कि हम इसका भी वीडियो बना देंगे कि इसे सॉल्व कैसे करें। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। देखिए इसमें विषम संख्या को चुनना है, 51, 45, 37, 9, 85। देखिए इसका आंसर होगा 85। अगर देखिए प्रश्न, एन कक्षा में 5वां स्थान प्राप्त करता है, एस अंत से 8वां है, यदि टी एन के बाद 6ठा है और एन एस के बीच में है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 23, 24, 25 या 26। देखिए इसका आंसर 24 होगा। ऐसे क्वेश्चन से फ्रेंड्स आपका माइंड ब्लास्ट कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को आप बहुत ही शांति से और धैर्य से इनको आंसर देना है। अगला देखिए, पुस्तकों की एक पंक्ति में अंग्रेजी की पुस्तक का क्रम बाएं छोर से 16वां है, गणित की एक पुस्तक का क्रम दाएं छोर से 12वां है, यदि गणित की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक के दाएं से 6ठे स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं। देखिए आपके ऑप्शन है 31, 33, 32, 34। देखिए इसका आंसर 33। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रमण को पूरा करते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। देखिए आगे एक ऑप्शन छोड़ा हुआ, यहाँ पर आपके क्या आएगा, देखिए चार ऑप्शन, मुख्यमंत्री, गवर्नर, रक्षा मंत्री या राष्ट्रपति। देखिए इसका जो कि मेरे आइडिया से इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति वन, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वन, उप प्रधानमंत्री। देखिए इसका आंसर राष्ट्रपति। देखिए आपको 19वां प्रश्न, जूही ने संजय की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की इकलौती बहन का पति है, जूही संजय से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी, बहन, मौसी, साली। देखिए इसका आंसर पत्नी। अगला लास्ट ऑफ प्रश्न देख लीजिए, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, पुत्र, माँ, पुत्री या पत्नी। इसका आंसर माँ। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स पे 50 नंबर के टॉपिक इसमें आता है रीजनिंग का। तो फ्रेंड्स इसके और भी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस भर्ती का, इस एग्जाम्स का तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें।